पीटीआई लॉन्ग मार्च, कौमी शहराओं पर ट्रैफिक की गैर यकीनी सूरत हाल, ऑयल कंपनियों की लाहौर के लिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर मंतका की लाहौर में 2 से 3 का स्टॉक मौजूद है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद के घर छापे पर माफी मांग ली। कहते हैं नवाज शरीफ को निकाला गया तो इसने खूनी मार्च को ऐलान नहीं किया। नवाज शरीफ बेटी के साथ जेल में चला गया। खूनी मार्च की बातें सियासतदान नहीं करते। छापा मारने वाले अहलकारों पर गोलियां चलाई गई। जिस अंदाज में जत्थे आ रहे हैं, पुलिस में सलाह नहीं। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च। तहरीक इंसाफ का काफिला हेड खांकी बैराज से रुकावटें तोड़ते हुए इस्लामाबाद रवाना। हेड खांकी के मुकाम पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान तसादम भी देखने में आया। तहरीक इंसाफ के कायदीन के मुताबिक पुलिस की जानब से इनके 150 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानब सिला भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN News Live।